आज उदयपुर के अंदर जीबीएस हॉस्पिटल का अवैध निर्माण तोड़ने की जब विधानसभा में बात आई और उसके लिए जब अमेरिकन हॉस्पिटल के मैनेजर ने और कांग्रेसी पूर्व सरपंच और ये कांग्रेसी पदाधिकारियों ने जो वास्तव में बिना मतलब का जो ये पमंडल फैलाने का जो काम किया है उसका मैं वास्तव में खंडन करता हूं। इसके लिए उन्होंने अवैध निर्माण किया है उसके बारे में मैंने जानकारी मांगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि भाई अवैध निर्माण को ये नियमन कराए या फिर उसको सीज करे, और जब ये इनके ऊपर आई तो उन्होंने मेरे मिलने वालों का ऊपर जो इल्जाम लगाया तो ये झूठा और निराधार है। अगर इनके पास में कोई प्रूफ था तो 5 साल पहले चेतन मीणा ने नौकरी छोड़ी, जब उनको तनख्वाह पूरी नहीं देगा तो उनके बच्चे बच्चे को कैसे पालेगा। दूसरी जगह ज्यादा तनख्वाह दे रहे थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और ये जो कह रहे हैं कि उनसे कंप्यूटर का काम करने वाला आदमी मरीजों से कैसे कॉन्टेक्ट में हो सकता है, हुआ है तो उन्होंने 5 साल नींद क्यों निकाल रखी थी, उनको FIR लॉन्च करनी चाहिए। और हिम्मत मीणा के लिए जो कहा है वो तो हॉस्पिटल में कभी गया ही नहीं, और वो मैनेजर कह रहा है कि बोला ये अवैध वसूली कर रहा है, उनके पास प्रूफ है तो एक प्रूफ तो पेश करे मीडिया के अंदर। और इसके लिए जो वास्तव में मैं जो आज मैं मेरे वहां के जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हॉस्पिटल बंद कराने का हमारा मकसद नहीं था न है, और मरीजों को कोई परेशान नहीं करेगा, मगर इनको जो अवैध निर्माण किया है जो उसके लिए कार्रवाई हुई है तो उसके लिए वास्तव में कर्मचारियों को अगर ये जबरदस्ती निकालेगा तो मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा और उनके साथ में कहीं अत्याचार नहीं होने दूंगा। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर इसको हवा दे रहे हैं तो खुद श्यामलाल चौधरी जी खुद अवैध निर्माण करके बैठा है, उसकी सरकार से मैं मांग करता हूं कि उनकी जांच करे और पहले उनके पांव में जो लाल लग रही है उसको देखे और दूसरे के ऊपर कार्रवाई करे। श्यामलाल चौधरी पूर्व प्रधान और प्रमुख रहा है, उसको पता है कि ये अवैध निर्माण के ऊपर सरकारी हथौड़ा चल रहा है तो कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए। और ये जीबीएस वाले इनको हवा दे रहे हैं तो इनके लिए वास्तव में आम जनता के लिए अच्छा नहीं है, जनता का कोई अहित नहीं होने देंगे, एक भी मरीज के साथ में अत्याचार नहीं होने देंगे। सरकार मरीजों के गरीबों के साथ में है और गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। धन्यवाद।